सा पौधा? ये केन पाम है सर, ठीक है, इसके करीब रख के बात करो जो भी करना। ये केन पाम है सर, ठीक है, और ये अरीका पाम है। अच्छा अरीका पाम है, ये केन पाम है। ये मुझे एक बात बताओ, ये क्या इंडोर है आउटडोर है? इंडोर है सर, ये इंडोर है। अच्छा ये ऊपर जाता है या ऐसे ही रहेगा? ये ऐसे झाड़ बनेगा, इंडोर चलता है अच्छा एसी ये में। मुझे बताओ, इतने सारे फूल माशाल्लाह से यहाँ रखे हुए, इतने खूबसूरत फूल हैं, ये कौन सी नस्ल है? ये ये गुलदाउदी का है सर गुलदाउदी? जी, अच्छा कौन सी? ये गुलदाउदी है सारे? ये कैसा लग सारे रहा है माशाल्लाह, गुलदाउदी के। अपने नए घर पर आ गए हैं? माशाल्लाह फान भाई बहुत अच्छा लग रहा है। आज से हम लोगों ने 1.5-2 साल पहले कहा था कि हम जंगल जंगल को मंगल बनाएंगे, और आज हम लोगों की ख्वाब की ताबीर पूरी हो रही है, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी फिज़ा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं अपनी क्यारी में आया हुआ हूँ, और अपनी क्यारी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको कराता हूँ। ये इस वक्त जिस दरख्त के पास हम खड़े हैं, मैं ये व्यूअर्स, इस वक्त जो दरख्त है ये इमली का दरख्त है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत ये इस वक्त होता जा रहा है, और ये आप देखें बड़ी केयरिंग इसकी करनी पड़ती है दरख्त की। बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत ये पेड़ है इस वक्त बन चुका है, और इसी तरीके से माशाल्लाह से नॉर्थ टाउन के अंदर इस वक्त जो जो लोग आ रहे हैं वो व्यूवर्स अपने पौधों को काफ़ी केयरिंग कर रहे हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इस वक्त आप देख सकते हैं, ये अंजीर का पेड़ है व्यूवर्स, ये अंजीर का पेड़ है, और इसमें थोड़ा सा पीलाट आ गया, यानी थोड़ा सा ये बीमार है, या मेरे ख्याल से अभी ठंड की वजह से ये अपने आप को झाड़ रहा है। और ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे पपीतों के बच्चे हैं ये हमारे पास, ये भी लगे हुए माशाल्लाह से, ये हमने बीज डाले थे तो उसके अंदर से ये निकला है। इसके अब्बू भी यहाँ पर हैं, ये आप देख सकते हैं, ये इस बीज के अब्बू हैं जो यहाँ पर इस वक्त जो है वो लगे हुए हैं। और ये बेल है, बहुत खूबसूरत सी बेल है। मैंने कहा चलें आज आप लोगों को मैं अपने क्यारी का जो है क्या कहते हैं विज़िट करवाऊँ। ये नीम का पेड़ आ गया, और साथ ही जो है इसके ये ऑफिस लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं इस वक्त ये हमारे क्यारी के अंदर ऑफिस लगा हुआ है। ऑफिस का मतलब ये होता है सुबह 8 बजे ये ओपन हो जाता है, और ठीक 3 बजे ये बंद हो जाता है। तो अपने टाइमिंग पे पंक्चुअल है ये, हम भले अपने टाइमिंग पे नहीं होते लेकिन ये बड़े पंक्चुअल होते हैं। ये आप देख सकते हैं इस वक्त एक पपीते का बच्चा ये भी है, ये आप देख सकते हैं कमिश्नर लगाया है ये भी व्यूवर्स, और ये आप देखें माशाल्लाह से ये क्रिसमस ट्री है। और इसी तरीके से ये गुलमोर आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये पूरा एक दरख्त है मेरे पास गुलमोर का, ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है इस वक्त। तो ये कंटेंट बनाने का मकसद मेरा यही है व्यूवर्स, कि आप लोगों को दिखाऊं कि क्यारी कितनी बेहतरीन होती है। यहाँ पर हर बंदा जो भी आ रहा है वो अपनी क्यारियाँ बना रहा है। इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं धनिया लगा हुआ है, पुदीना लगा हुआ है आगे की तरफ, और ये एलोवेरा लगा हुआ है, ये सजना है मोरिंगा कहते हैं इसको, मोरिंगा की डंडी लगाई है हमने। इसी तरह एक इसके अब्बू भी यहाँ पर डंडे लगे हुए हैं, ये मोरिंगा का डंडा लगा हुआ है लेकिन इसमें अभी पौधा नहीं आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं व्यूवर्स, ये कड़ी पत्ता है इस वक्त फुल यहाँ पे ज़बरदस्त। बेगम को तड़का वड़का के लिए कड़ी पत्ता चाहिए होता है तो यहीं से तोड़ लेती हैं। और इसी तरह ये हरी मिर्चों का पौधा लगा हुआ है, ये आप देखें माशाल्लाह से ये हरी मिर्चें हैं, ये आप देख सकते हैं एलोवेरा, और एक इमली का बच्चा यहाँ पे भी निकल आया है। तो ये व्यूवर सारी चीज़ें दिखाने का मकसद यही है। ये आप देख सकते हैं जामन माशाल्लाह से उरूज पे चल रहा है इस वक्त, ये भी अपने बहुत खूबसूरत इस वक्त माशाल्लाह से ये दिखने में आ रहा है, और आगे जिस तरह ये बड़ा होता जाएगा मोटा होता चला जाएगा इसी तरीके से और अच्छा हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं मोची बेल, बड़ी ख़तरनाक बेल होती है व्यूवर्स, ये जब एक बार लग जाती है तो फिर इसको रोक नहीं सकते, ये बढ़ती चली जाती है माशाल्लाह से। ये आप देख सकते हैं पूरी छत तक मेरे इसी तरह जा रही है, और यहाँ से भी इसने अपनी डोरी बनाई हुई है, यहाँ से इस तरह आती है, और ये एक फैंसी पौधा लगा हुआ है। तो मेरे साथ इस वक्त ये क्यारी वाले खड़े हैं माशाल्लाह, ये दो भाई खड़े हैं, ये आप देख सकते हैं इस वक्त बलोच हैं, और ये यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने इनसे भी बात करी है कि भाई मेरी क्यारी को आपने बेहतर करना है। तो कहने लगे फान भाई ठीक है, फिर आप हमारा व्लॉग बनाएं। तो जो पौधे इस वक्त मैंने लगाए हुए वो मैंने आपको दिखाए, ये देख सकते हैं आप कैक्टस लगे हुए हैं, कैक्टस के बच्चे लगे हुए हैं, ये ऑफिस आ गया, ये कैक्टस आ गया, इसके बच्चे लगे हुए हैं। तो ये देख सकते हैं ये भी कैक्टस है, ये भी कैक्टस है, जिसको कैक्टस चाहिए अपने पास बच्चे बहुत हैं कैक्टस के, वो कैक्टस वगैरह लगा सकता है। तो ये हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं, इनसे पूछते हैं इनका नाम पहले। जी सर, क्या नाम है भाई? मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम भाई, ये कितने अर्से से काम कर रहा तुम क्यारी का? 3 साल से सर। 3 साल से काम कर रहा हूँ, माशाल्लाह। तो तुम्हारा तजुर्बा है इसके अंदर, बिल... पौधा बीमार है, तंदुरुस्त है, क्या है? बिल्कुल हर तो चीज़। ये नॉर्थ टाउन में तुम्हारे को यहाँ पर आना जाना शुरू हो गया माशाल्लाह से, कितने लोगों ने अब तक तुमसे अपने घरों के अंदर क्यारियां अलग बनवाई हैं? कम से कम 50 बनवा चुके होंगे सर। कितने? 50। कम से कम 50 लोगों ने क्यारियों में पौधे लगवा लिए हैं। बिल्कुल सर। तो उनके पौधे हरे भरे हैं। बिल्कुल, तो जैसे मेरी मेरी क्यारी को तुमने बनाना है या नहीं बनाना है? बिल्कुल बनाएंगे सर। है ना, इसमें अमेरिकन घास लगाओगे या नहीं लगाओगे? हर चीज ओके करेंगे है ना, क्योंकि झाड़ वाली घास अच्छी नहीं लग रही ना। बिल्कुल, इसको उखेड़ेंगे और दूसरा लगाएंगे। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, और तुम्हें 3 साल होगा ये काम करते हुए, कैसा देख रहे हो नॉर्थ टाउन के अंदर आने वाले वक्त के अंदर, क्या देखते हो हर घर के अंदर तुम्हारे पौधे होंगे? दिन ब दिन तब्दीली आ रही है। बिल्कुल दिन ब दिन तब्दीली आ रही है। तुम इमरान खान के वोटर हो क्या? बिल्कुल तब्दीली आई है, तब्दीली आई है। आओ जरा अपने पौधे दिखाओ व्यूअर्स, आप देख सकते हैं अपने पौधों का तारुफ करवाओ, बताओ ये कौन सा पौधा है? ये केन पाम है सर। ठीक है, इसके करीब रख के बात करो जो भी करना। ये केन पाम है सर, ठीक है, और ये अरीका पाम है। अच्छा
अच्छा अरीका फार्म है, ये कैन फार्म है, ये मुझे बताओ ये क्या इंडोर है आउटडोर है? इंडोर है सर। ये इंडोर है, अच्छा ये ऊपर जाता है या ऐसे ही रहेगा? ये ऐसे झाड़ बनेगा, इंडोर चलता है एसी में। ये मुझे बताओ इतने सारे फूल माशाल्लाह से यहाँ रखे हुए, इतने खूबसूरत फूल हैं, ये कौन सी नस्ल है? ये गुले दाऊदी का है सर। गुले दाऊदी जी? अच्छा कौन से ये गुले दाऊदी है? सारा ये सारे गुले दाऊदी के कलर पड़े हुए हैं सर। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई जबरदस्त। और ये गेंदा, और ये गेंदे का पौधा भी देखिए, ये गेंदा आ गया सर सीजन का, ये देखिए ये सारे गुले दाऊदियों के कलर आ गए। ये गुले दाऊद आ गए व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं, ये गेंदा भी लगा हुआ है साथ में। पौधे देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत पौधे इस वक्त ये व्यूअर्स, ये देखें आप, ये देखें, ये देखें आप कितने खूबसूरत। रात की रानी है आपके पास? रात की रानी ये कितने का पौधा है? रात की रानी का 200 का, मुझे कितने का दोगे सही सही बताओ? आप फ्री में डाल लोगे? पक्की बात है, लगा दो फटाफट निकाल के। तो व्यूअर्स एक पौधा तो मेरा वीडियो बनाने में ही आ गया माशाल्लाह, तो इनसे इंशाल्लाह ताला बनवाएंगे पूरी क्यारियां। बहुत खूबसूरत पौधे हैं ये, आप देख सकते हैं। कौन सा? ये टिफन देख सकते हैं आप माशाल्लाह, कितना जबरदस्त इंडोर का ये पौधा है। ये देखें आप इंडोर की, मतलब ये सारे पौधे ज्यादातर इनके इंडोर रखे हुए हैं। कौन सा? साला साल वाला 12 महीने का कैक्टस है व्यूअर्स, ये आप देखें माशाल्लाह सा चमेली मोतिया, मतलब क्वालिटी बहुत सारी है इसके पास। और मनी मनी प्लांट, तुलसी, मतलब हर चीज किस्म का पौधा इसने अपने एक इस ठेले के ऊपर जो है वो रखा हुआ है। गुलाब भी रखा हुआ है, ये देखें यहाँ से देखें आप, ये देखें। तो जो नॉर्थ टाउन में रहते हैं उन लोगों के लिए, खासतौर पे मेरे व्यूवर्स भी हैं वो लोग, और वो लोग अगर चाहें तो वो इनसे रब्ता कर सकते हैं और इनको बुलाकर फ़ोन नंबर पर इनसे जो है वो अपने पौधे वगैरह क्यारी वगैरह बनवा सकते हैं। अपना टेलीफोन नंबर बताओ मेरे व्यूवर्स को। 0336 0336 8 0 888 888 64 64 मोहम्मद सलीम माली। मोहम्मद सलीम माली का नंबर व्यूवर्स आप देख सकते हैं इस वक्त माशाल्लाह से, मैं इसका नंबर भी आपको वीडियो पे लगा दूंगा। ये आप देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत इस वक्त जो है ये इनका पूरा ये सजा हुआ एक पूरा एक सेटअप है, और जो भी इनसे रब्ता करे वो मुनासिब रेट के ऊपर जो है वो इनको दे देंगे व्यूवर्स। ये देखें आप पौधे देखें, फूल देखें माशाल्लाह, कलिया देखें। हाँ मेरा वीडियो बनाने का इतना ज़बरदस्त इस वक्त मेरा भी दिल चल रहा है कि मतलब माशाल्लाह से मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि कितने खूबसूरत ये पौधे इस वक्त इन्होंने लगाए हैं। ये देखें, अच्छा इसी तरीके से पौधे इन्होंने हमारे मोहल्ले में भी लगाए हैं, जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं जाहिद हुसैनी साहब। आइए आके चलते हैं। ये गिफ्ट आ गया भाई सर, माशाल्लाह माशाल्लाह गिफ्ट अभी दस्ती दस्ती दे दिया गिफ्ट। अरे वाह भाई वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा अरे एक गेंदा भी आ गया भाई, गेंदा आ गया माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। बस लगा दो लगा दो, ठीक है। मैं व्यूअर्स आपको दिखाता हूँ इनके पौधे और भी जगह लगे हैं, मैं और जाहिद भाई के पास लगे, मैं जाहिद भाई के पास दिखाता हूँ आके, जाहिद भाई से पूछते हैं कि इनके पास क्या क्या लगा हुआ है, ताकि पता चले कि इनका क्या आइडिया है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर अब लोग यहाँ पे किराएदार भी आ गए हैं, यहाँ पे रिहायशी भी आ गए हैं। ये जाहिद भाई का बेटा अकाशा हाथ हिलाता हुआ गया है, और जैसा देख सकते हैं जाहिद भाई अब माशाल्लाह से अपने इस घर के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं, और इस घर के छत के ऊपर जैसा कि आपको मालूम होगा कि स्विमिंग पूल बनाया था जाहिद भाई ने, और ये आप देख सकते हैं एक्सटीरियर जाहिद भाई का कितना खूबसूरत है इस वक्त माशाल्लाह से। तो जाहिद भाई से बात करते हैं, मेरे साथ इस वक्त खड़े हैं जाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई, अल्लाह का शुक्र है। और कैसा लग रहा है माशाल्लाह आप अपने नए घर पर आ गए? माशाल्लाह फान भाई बहुत अच्छा लग रहा है। आज से हम लोगों ने 1.5-2 साल पहले कहा था कि हम जंगल को मंगल बनाएंगे, और आज हम लोग की ख्वाब की ताबीर पूरी हो रही है, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी फिज़ा है। सबसे बड़ी है कि यहाँ की शाम बहुत अच्छी है। हम एक ज़माने में सुना करते थे भाई कराची की शाम, तो वो तो हमने बचपन में देखा है, लेकिन आज 40-42 साल के हम हो गए तो आज हम नॉर्थ टाउन में हमें महसूस है वाकई कराची की शाम आज भी मौजूद है। ये अफान भाई हज की कुर्बानी के लिए रखे हैं? हाँ 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 नहीं 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 बस नहीं, बकरीद में कुर्बानी के लिए रखा है। तो मैं जाऊंगा हज पे, तो बच्चे पीछे से परचेज नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए लिया है, उनके लिए रखा हुआ है। और ताजा भी हो रहे हैं, जी 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 माशाल्लाह इतना खूबसूरत आपने ये एक्सटीरियर बना दिया अपना एलिवेशन। ये अफान भाई ये मोहरे गुल है, ये मोहरे गुल, मोहरे गुल, हाँ ये इसकी बड़ी जबरदस्त है। ये लाल कलर में फूल, या पिंक पे, या वाइट पे, या येलो पे, या पता नहीं अल्लाह की तरफ से कौन सा ही आएगा, ठीक है। बाकी नारियल के दरख्त हम लगाए कि जो बच्चे यहाँ पर छोटे हैं कल को बड़े होंगे वो इस्तेफादा करेंगे, और बाकी ये गेंदे वगैरह की लाइफ इतनी नहीं होती, ये खूबसूरत खूबसूरती के लिए रखे। तीन तीन में बीज लगाएंगे, फिर गमले तो ऐसे ही होते हैं, मतलब उसको रखेंगे नहीं रखेंगे ऐसे 3 महीने की खूबसूरती के लिए। तो आपने सेट पे भी लगाया हुआ गमले? जी 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 जी, उधर का भी दिखाते हैं। हाँ उस तरफ जो है मैंने उस तरफ भी नारियल लगाया है, बेली लगाया है, रात की रानी वगैरह, और ये देखें इस तरफ भी, हाँ हाँ माशाल्लाह जबरदस्त। हाँ ये बेल है, ये ऊपर तक जाएंगे इंशाल्लाह, बड़ी अच्छी फिजा रहेगी।
बहुत जबरदस्त कर दिया भाई जी आपने, जी जी माशाल्लाह से जी आपका यार घर इस वक्त माशाल्लाह से व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि जबरदस्त। जाहिद भाई कुछ कहना चाहेंगे इस वक्त, आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त, आपने जो ये अपना एटमॉस्फेयर बना दिया इस वक्त फूल कल्याण वाला, ये इससे इससे असल में देखिए गली मोहल्ला इलाके सोसाइटी की रौनकें बहाल होती हैं। तो मेरे जितने भी एलआईटीज है उनसे गुजारिश है कि देखिए ये सब चीज़ों से घर चहकता है, महकता है, अच्छा लगता है, तो एलिवेशन भी खूबसूरत लगता है। तो जितने एलआईटी यहाँ पे रिहाइश कर चुके हैं तो ये माशाल्लाह हमारे खिदमत कर रहे हैं, मोहम्मद नईम मोहम्मद सलीम, ये माशाल्लाह ये आते हैं और सस्ते, हाँ खुद भी ख्याल करते हैं और स्प्रे वगैरह सब जी सब ख्याल करते हैं, पौधे लगा के भी देते हैं, तो मुनासिब रेट पे ही दे रहे हैं। हमने इनसे परचेज भी किया, फान भाई ने भी किया है। तो एक है कि हम मुशक्कत उठा के फोर के जाए गुलशन मेवाड़ से लेके आए, तो इन ये पौधे लेके आते हैं। अगर आपको कोई पौधे मंगवाना है तब भी ये लेके आ जाएंगे, तो घर बैठे ही सारी सहूलत मौसर है। इनका नंबर ले लिया मैंने, वो दे दिया। जी तो बहुत अच्छे लोग हैं, अखलाकी तौर पर भी मामलात में भी साफ़ है, सस्ते दाम पे, क्योंकि हम परचेस करते रहते हैं, हमें घर बैठे ये सस्ते दाम पे दे रहे हैं। तो इससे इन्हीं की काविशों से हम इतना अच्छा एक बाग, छोटा सा बाग बना लिए। ठीक है, अल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैंने इनको आज अपना गार्डन भी दिखा दिया, तो इन्होंने मुझे यही शोर किया है जाहिद भाई के, इरफान भाई आप बेफिक्र रहे हैं, हम पौधों को ख्याल भी करते हैं, देखते हैं जो बीमार होगा आपको बताएंगे और फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट भी करेंगे। चलें जाहिद भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश करे, अल्लाह आपको ये घर अपना बरतना नसीब करे। व्यूवर्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, अगर मैं आपको इसके घर का इंटीरियर दिखा दूँ और आपको इसकी पेंटिंग दिखा दूँ तो आप भी रश कर सकेंगे कि कैसा बनाया है। ऐसे जाहिद भाई रांझा उस्ताद से एक पेंटिंग करवाई है। तो व्यूवर्स ये थे जाहिद भाई हमारे, माशाल्लाह से आपने इनकी बात सुनी, मैं थोड़ा सा इनका पौधों का आपको मैं दिखा दूँ, कितने खूबसूरत अंदाज से माशाल्लाह से इन्होंने पौधे जो है वो अपने इंस्टॉल करें, बकायदा गमलों के ऊपर इन्होंने कलर वगैरह तक किया है। ये आप देख सकते हैं पाम वगैरह, ये हज़ार हज़ार दो दो हज़ार वाले पौधे हैं, ये गुलमोर ये भी लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। तो अपने हिसाब से जो इंसान अपनी केयरिंग करता है, ये सब चीज़ें जिंदा चीज़ें हैं, ये अल्लाह ताला की मखलूक है, तो इसकी हिफाजत भी बिल्कुल वैसी ही रखनी पड़ती है जैसे आप अपनी हिफाजत करते हैं या जानवरों की करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह हर कोने के अंदर जाहिद भाई ने अपने खूबसूरती को पेश रखा है। तो बकरों के हवाले से, दुम्बों के हवाले से भी मैंने आपको दिखा दिया कि माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं, ये देखें आप मंगड़ा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसकी शक्ल देखें आप, माशाल्लाह फुल डेंजर ये माशाल्लाह से ये दुम्बा है और एक टक्कर के अंदर काम उतार सकता है, इससे दूर रहने का काम है। इसी तरह एक दुम्बा ये इनका बैठा हुआ है, ये चुगाली कर रहा है और एक वो बैठा हुआ है। तो ये सारी फिज़ा इस वक्त नॉर्थ टाउन की है और ये सब मज़े इस वक्त नॉर्थ टाउन में रहने वाले लोग इस वक्त उड़ा रहे हैं। और सामने ये आप देख सकते हैं ग्राउंड प्लस वन का, दोनों पे रेंटर रहते हैं और इसी तरीके से लोगों की कंस्ट्रक्शन यहाँ पर तेज़ हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और जिनके यहाँ पर प्लॉट्स हैं वो लोग आएँ, आकर यहाँ पर अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें, ताकि जो है वो आने वाले वक्त के अंदर जो है वो आप लोगों की भी जो है वो हरियाली और आप लोगों के घर के अंदर भी सब चीज़ें जो है वो प्रॉपर तरीके से अपनी स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरे चैनल को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मैं मोहम्मद अफान शेख आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।